क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 7.4 यानी प्रश्नावली 7.4। कल इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट किए थे, आज हम लोग 3 नंबर से पढ़ेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर कि लिखा है, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त का अर्थ हुआ कि एक गोलाकार का है और वृत्त पर स्थित 21 बिंदु है। वृत्त पर कितने बिंदु है? 21 बिंदु है और उससे जीवा खींचना है। जैसे बिंदु का अर्थ हो गया एक बिंदु, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, ऐसे करके कितने बिंदु? 21 बिंदु है। तो कह रहे इन बिंदुओं से जीवाएं खींचनी है। क्या खींचनी है? आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे 10 पार्ट के मैथ में, 10 पार्ट में, कि वृत्त के बीच में जो होता है ये केंद्र होता है। क्या होता है? और एक रेखा जो केंद्र के बीचों बीच जाए उसे व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। जो वृत्त के केंद्र से एकदम होकर बीचों बीच जाए, आर पार हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? व्यास। लेकिन जो आर पार तो हो लेकिन वृत्त के केंद्र से ना हो, वो सभी जीवाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जैसे कि मान लीजिए ये बिंदु है और ये बिंदु है, ऐसे हमने खींच दिया, क्या ये वृत्त के केंद्र से जा रही है? तो ये जीवा है। क्या है? जीवा है। जीवा ऐसे भी हो सकती है, जीवा इधर भी हो सकती है, बस वृत्त के केंद्र से नहीं जाना चाहिए। ये भी जीवा है, ये भी वृत्त की जीवा है, ये भी वृत्त की, बस वृत्त के केंद्र से नहीं जाना चाहिए। पूछ रहा है कि 21 को बिंदु है, वृत्त पर कितना बिंदु है, तो कई को इसमें हम लोग जीवा खींच सकते हैं, कितना जीवा खींच सकते हैं और कितने बिंदु? एक और जीवा में कितने बिंदु लेगा? एक जीवा के लिए 2 बिंदु लेगा, क्योंकि अगर हमें जीवा खींचना है तो एक बिंदु मान लीजिए ये है, दूसरा बिंदु ये है, एक जीवा को खींचने के लिए कितना बिंदु लगा? 2 बिंदु लगा ना जी। तो इसी तरह 21 बिंदुओं से कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है तो यहाँ से भी एक जीवा हो जाएगा, समझ रहे हो? यहाँ से भी एक जीवा हो जाएगा। ये सब के सब क्या है? जीवा है। तो आइए इसको बनाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है, वृत्त पर बिंदुओं की कुल संख्या बराबर कितनी है? 21 है। जीवा द्वारा वृत्त पर काटे गए कुल बिंदु कितने हैं? मतलब एक बार जीवा कितने बिंदुओं को काटेगा? 2 बिंदुओं को काटेगा। अतः 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली जीवाओं की कुल संख्या, यानी कि टोटल जो है वो n का मान लेंगे। n बराबर हमारा कितना है? और 2 बिंदु जहाँ पे काट रहा है छोटा वाले को क्या मान लेंगे? और इस फॉर्मूले पे सजा देंगे। फॉर्मूला क्या कहता है? n क्रम चय। ऊपर क्या पूछता है? n क्रम चय बटा r क्रम चय, कोष्ट में n माइनस r क्रम चय, यही ना फॉर्मूला लगता है? बोलिए। तो n का मान इसमें कितना है? 21 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 21 का क्रम चय, समझ गए? फिर बटा में r क्रम चय, क्या r का मान कितना है? 2, तो 2 का क्रम चय। फिर n माइनस r, n का मान 21, r का मान 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। क्रम चय निकालना तो आप लोगों को पता ही है कैसे निकाला जाता है। 21 क्रम चय है तो 21 से लेकर नीचे तक कहाँ तक जाएंगे? 1 तक। 21 गुणे 20 गुणे 19, 19 पर आकर हम क्यों रुक गए हैं? क्योंकि नीचे क्या है, तो 19 से 19 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इसलिए उसको रुक दिए हैं। और 2 का क्रम चय निकाल दिए, 2 गुणे 1। अब 19 क्रम चय से 19 क्रम चय क्या होगा? बढ़ जाएगा। इधर कटा देंगे, 2 दहियाँ 20 होता है, 10 नहीं। और 10 में 21 से गुणा करेंगे तो 21 में
जब हम किससे गुणा करेंगे, 21 × 200 समझ गए। तो टोटल कितनी जीवाएं खींची जा सकती है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए इसको उतार दीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमें बनाने के कितने तरीके हैं, मतलब 5 लड़का है, 4 लड़की है, उसमें से 3 लड़का 3 लड़की का टीम बनाना है, तो कई गो टीम बनाया जाए, कितना तरीका है, मतलब कैसे कैसे बना सकते हो, कितना लड़का कितना लड़की लोगे, आपको तरीका बताना है। जैसे कि आप लोगों को पता है जो मैच होता है उसमें 11 के आदमी खेलते हैं, लेकिन 11 आदमी जाते नहीं है, 16 आदमी जाते हैं, करीब करीब 15 से 16 आदमी खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन उसमें से कितने लोगों को चुन लिया जाता है, कुछ लोगों को एक्स्ट्रा में रखा जाता है कि भाई जो किसी की तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए तो आदमी खेल सके। तो उसी तरह 5 लड़का 4 लड़की है, 9 गो, लेकिन जो टीम बनाना है वो कितना बनाना है, 6 गो का, 3 गो का, 4 आदमी क्या है एक्स्ट्रा है, तो कितने तरीकों से बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है लड़कों की संख्या बराबर लड़कियों की संख्या, तो टीम बनाने के कुल तरीकों की संख्या, ये है लड़का वाला और ये है लड़की का, इसका अर्थ आप समझिएगा थोड़ा। 5C3 का अर्थ हुआ कि 5 गो लड़का है, कै गो लड़का है, उसमें से 3 गो लड़का है जो खेलेगा, 5 गो में से कै गो खेलेगा, 3 गो। 5C3 का अर्थ हुआ कि टोटल लड़का कै गो है, 5 गो, उसमें से खेलेगा कै गो, 3 गो। और दूसरे वाले में 4 गो लड़की है लेकिन उसमें से खेलेगी कै गो, 3 गो। समझ में आ गया कि 5C3 और 4C3 क्यों लिखा गया और C क्यों लिखा गया, पता है? क्योंकि आप लोग क्या पढ़ रहे हो, कम्बिनेशन, तो कम्बिनेशन को किससे सूचित करते हैं, और परमिटेशन को, हाँ। 5C3 है तो आपको आ ही जाएगा बनाना, कैसे, ये N हो गया और ये R, ये N और ये R, दोनों को अलग अलग फार्मूला पे सजा देंगे, ऊपर N होता है कि R होता है, तो N का मान 5 क्रम से होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, 5 है जी, नीचे R का मान कितना है, तो 3 क्रम से, मतलब R क्रम से, अब 5 − 3 का अर्थ है कि N माइनस R, फिर n का मान r का मान n माइनस r, तो 4 − 3 क्रम से, समझ में आ गया ना, बोलिए। अब ये 5 है तो 5 से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, ये 5 से 3 घटाएंगे तो, इधर 4 से 3 घटाएंगे तो 1। अब क्रम से हमें बनाना है, तो देखिए 5 को कहाँ तक लेके जाएंगे, 3 तक, क्योंकि नीचे क्या है, 3 क्रम से है ना, ताकि 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 5 × 4 × 3 है, 3 से 3 कटा दीजिए, 2 क्रम से, इधर भी 4 × 3 है, 3 तक रोक दीजिए, 3 से 3 कटा देंगे, कट जाएगा ना। उसके बाद ऊपर बचा 5 × 4 और नीचे बचा 2 × ऊपर क्या बचा और नीचे 1, तो देखिए दूध है यहाँ 10, दूध है 20, आई 10 × 4 10 × 4 = 40, तो कितने तरीकों से सजाया जा सकता है, 40 तरीकों से। चलिए उतार लीजिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 नंबर क्वेश्चन है, 6 लाल रंग की, 5 सफ़ेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों को चुनने के तरीकों की संख्या
यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की कितनी गेंद रखनी है, मतलब तीन गो समूह है, छह गो लाल रंग के गेंदा बा और पाँच गो सफेद, पाँच गो नीला, टोटल कै गो गेंदा भाई, छः पाँच ग्यारह पाँच सोलह गो में से नौ गो लेवे के बा, कै गो नौ गो आ सौ में से तीन तीन गो कै गो, ठीक है करा पहले खाली लगा ले। यहाँ पे देखिए लाल रंग की गेंदों की संख्या और सफेद रंग की गेंदों की संख्या, नीले रंग की गेंदों की संख्या पाँच, तो तीन तीन गेंदों को सजाने के तरीकों की सौ में तीन तीन को सजाना है। तो पहले का छः गो बात तो छः सी थ्री, इसका अर्थ है कि छः गो में कै गो तीन गो, दूसर का कै गो बा पाँच गो में कै गो और तीसर गो में पाँच गो में, तीनों का देख लीजिए अलग अलग किया गया है बन जाएगा। बस करना क्या है, इसमें एन का मान छः आर का मान तीन, एन का मान पाँच आर का मान तीन, एन का मान पाँच आर का मान तीन, और इस फॉर्मूले पे आपको क्या करना है, सजा देना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए छः क्रम छः तीन क्रम छः छः माइनस तीन क्रम छः, पाँच क्रम छः तीन क्रम छः पाँच माइनस, पाँच क्रम छः तीन क्रम छः पाँच माइनस तीन क्रम छः, बन जाएगा इस तरह। और उसके बाद ऐसे सब कटा वटा दिया जाएगा तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। चलिए इसको भी उतार लीजिए और आप लोग अपने मन से घर पे बनाइएगा। अब भाई एक क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से, ताश कभी खेले हो, उसमें 52 को पत्ता होता है, कह दो पांच पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित, उसमें से कह को पत्ता लेना है। यदि प्रत्येक संचय में तत्त्वतः एक इक्का है और हर एक संचय में एक इक्का है, इक्का चार को होता है, कह को होता है, काला पान लाल पान चिड़िया और ईटा। सबसे पहले लिखेंगे ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या, इक्के की संख्या क्या होगा इसमें, चार को इक्का होता है। ताश की गड्डी से बनने वाले संचयों की 48C4 का अर्थ हुआ कि 48C4 तो 48 को चार को 52 को, मतलब कि 52 को में चार को इक्का है, 48 को बिना इक्का का है, इक्का निकल गया तो क्या बचेगा उसमें, बिना इक्के वाले ना बचेगा, 48 को चार को क्या होता है आ चार को इक्का, उसको साइड करो। अब चार को इक्का और सब में एक एक इक्का होना चाहिए, तो सब में एक एक इक्का होगा तो चार खंड में कितना इक्का होगा, चार को सद का इक्का नहीं होता है, दोनों का बस क्रमचय निकाल दो। यहाँ पे एन का मान क्या होगा 48, आर का मान एन का मान ए चार और आर का मान एक, और फॉर्मूले पर इसको सजा दीजिए बना दीजिए, जो आएगा सो आंसर बन जाएगा, पिछले टाइप का है। चलिए इसको भी उतार लीजिए, इस सवाल को बढ़िया से ये लोग समझते हैं जो लोग ताश कभी खेले हो। क्वेश्चन नंबर 7, 17 खिलाड़ियों में से, कितने खिलाड़ियों में से, जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को पता है कि सब कोई बैटिंग ही नहीं करता है, कुछ लोग बॉलर होते हैं तो कुछ बैट्समैन होते हैं, खेलने के लिए सब कोई खेल लेता है लेकिन स्पेशल एक होता है कि कोई बॉलर है तो कोई बैट्समैन है। जैसे कि मान लीजिए सहवाग है, धोनी है, तो ये लोग क्या है, ये लोग बैट्समैन है, और वहीं पे कोई और होगा जो बॉलर होगा, पता नहीं है कौन होगा। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है, क्रिकेट टीम में कितना खिलाड़ी होता है, 11 आदमी खेलता है, 17 आदमी गया है खेलने के लिए, यदि प्रत्येक टीम में तत्त्वतः चार गेंदबाज है और सब टीम में कक गेंदबाज है, और ऐसा ही होता है हर मैच में, गेंदबाज कम होते हैं और बैट्समैन ज़्यादा होते हैं। खिलाड़ियों को सजाने की तरीकों की कुल संख्या निकालना, यही ना जी। तो देखिए आपके पास
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोटल जो खिलाड़ी खेलेंगे उसमें से पांच को निकालना है। टोटल खिलाड़ी कितने हैं और उसमें से कितने, मतलब कितने खिलाड़ी इसमें गेंदबाजी करेंगे? पांच। पहले कंडीशन में कह रहा है कि 17 को लोग है, उसमें से पांच को गेंदबाजी करेगा, तो कोई को खेलेगा? 12 को खेलेगा ना, तो पहले वाले में 12 को खेलेगा और पांच को क्या करेगा? गेंदबाजी करेगा। पहले वाले में 17 आदमी टोटल है, उसमें से पांच आदमी गेंदबाजी करेगा, तो बैट्समैन कितने लोग करेंगे? 12 आदमी ना करेंगे, 12 में से 17 में से पांच घटाएंगे तो 12 बच जाएगा। अब यहाँ पे 7 और 4 क्यों लिखा गया, तो इसको समझिए। जैसे कि 11 आदमी टोटल कितने लोग खेलेंगे? 11 टोटल कितने लोग? 11। अब टीम में कितना गेंदबाज रखना है? 5 को है, लेकिन रखना कै को है? 4 को। तो 11 को में से 4 को बॉलर हो गया, तो बैट्समैन कै को होगा? अब समझ में कुछ आ रहा है? एक बार फिर समझिए, ये है बैट्समैन और ये है बॉलर, दो आदमी है। क्रिकेट की टीम में दो चीज़ होता है, एक बॉलर और एक बैट्समैन होता है। तो पहले बार में टोटल बैट्समैन है 17, लेकिन उसमें से बैट्समैन कितना है? 12 को। 5 को क्या है? गेंदबाज है। तो 12 को है टोटल बैट पकड़ने वाला और 5 को है गेंद पकड़ने वाला। लेकिन जब क्रिकेट मैदान में उतर रहे हैं, मतलब क्रीज पर उतर रहे हैं, तो उसमें से 7 को है बैट्समैन और 4 को है बॉलर। तो 7 4 कितना हो गया? अब समझ में आ गया बात, इधर बॉलर और इधर बैट्समैन है। तो कंडीशन वही है कि एन का मान 12, एन का मान और आर का मान, एन का मान 5, आर का मान, और फिर उसको सजा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3900, बन जाएगा ना। और आइए अब 8 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, सब उसी टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक थैली में 5 काली तथा 6 लाल गेंद है, 2 काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या, मतलब टोटल है 5 को 6 को, आसपास चुनना का एक बार 3 को 2 को 5 को। देखिए, काली गेंदों की संख्या कितनी है? लाल गेंदों की संख्या 2 काली और 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की, 5 गो में से 2 गो क्या है? काली है, मतलब 5 गो टोटल काली गेंद है, उसमें से कै गो चुनना है? 2 ही गो चुनना है। आ 6 गो है लाल, कै गो लाल है? आ उसमें से कै गो लाल चुनना है? 3 गो। तो ये है लाल और ये है काली, पहली है काली और दूसरी लाल। तो पहले वाले में एन का मान 5, आर का मान, एन का मान 6, आर का मान, और उसको इसी फॉर्मूले पे सजा कर बना देंगे, ठीक है ना। चलिए इसको उतार लीजिए। और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, ये 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रम का चयन कितने प्रकार से कर सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है। पाठ्यक्रम मतलब क्या होता है? किताब होता है, 9 को किताब है, उसमें से एक विद्यार्थी 5 को चुनता है पढ़ने के लिए, कै गो? लेकिन 2 को कंपल्सरी है चुनना, मैंने 5 को में जो भी 2 को विषय हो वो कंपल्सरी के लिए इसी को चुनना है। जैसे आप लोग इंटर में पढ़ते हो तो आप आर्ट से पढ़ो, साइंस से पढ़ो, कॉमर्स से पढ़ो, लेकिन आपको इंग्लिश और हिंदी पढ़ना ही है, ये कंपलसरी है सबके लिए। उसी तरह 2 को किताब क्या है? कंपलसरी कि उसको पढ़ना है। तो कितने प्रकार से वो पढ़ेगा? तो लिखेंगे कि पाठ्यक्रमों को चुनने की तरीकों की संख्या, टोटल कै को किताब है? 7 को नहीं है, 9 को है, उसमें से 2 को निकाल दीजिए, विशिष्ट है वो, तो 9 में से 7 2 निकलेगा, तो 7। 5 को चुनना था, उसमें से 2 को निकाल दीजिए, कै को बचेगा? 3 को। मतलब कहने का अर्थ है कि 9 किताब है,
उसमें से दो को पाठ्यक्रम अनिवार्य है तो उसको छाड़ दीजिए, तो नौ में से दो छाड़ दिए तो कितना बचा है? तो उसी नौ में से ना पाँच को निकालना था जिसमें दो को अनिवार्य है, तो पाँच में से दो को निकालेंगे तो तीन को, तो यहाँ पे एन का मान सात, एन का मान और आर का मान तो बना देंगे और जो हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। कल आप लोग इस सारे सवाल को अपने से थोड़ा बनाइएगा, उतारेंगे तो उतार ही लीजिए बट अपने से बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो जीवन भर दिमागे में रह जाएगा, कॉपियों में रह जाएगा।